भाजपा नेता संजय जोशी ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को उनके हिंदू विरोधी बयान के लिए फटकार लगाई है। संजय जोशी सोमवार को कैथल में भाजपा नेता पाला राम सैनी के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शामिल होने के लिए आए थे। दिग्विजय जी ने जो कल अपना वक्तव्य दिया है, इसके संदर्भ में सार्वजनिक माफी मांगे, देशवासियों की माफी मांगे। जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी और गैर मुसलमान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, इस प्रकार का जो गंदा शर्मनाक असभ्य बयान दिया है, वो निंदा का पात्र है। भाजपा नेता संजय जोशी ने पाकिस्तान में सिख युवती के जबरन धर्म परिवर्तन की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। संजय जोशी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। रहने वाले गैर मुसलमान जो अल्पसंख्यक माने जाते, ये हमेशा इस भय में जीते। पाकिस्तान इन अल्पसंख्यकों के मन में भय दूर करे, इस प्रकार का काम करने की आवश्यकता है। अभी जिस प्रकार से सिख लड़की का अपहरण करके उसको धर्म परिवर्तन कराया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। और पाकिस्तान सरकार अपनी आँख खोलकर अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में संवेदनशील बने। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के भाजपा के दलित विरोधी होने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय जोशी ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संजय जोशी ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।